तो गुड मॉर्निंग फिर से अपना डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चार लोग आज यही फिशिंग करेंगे, नेट फिशिंग। उसके बाद में हम लोग रोस्ट करके उसके बाद में बेम्बू से हम लोग खाना बना के आज खाएंगे। और अपना छोटा सा गांव में एक नाला है तो वही चीज़ को हम लोग करने के लिए आया हूँ। और साथ में थोड़ा ट्रैकिंग भी करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। और 1K मेरा पहुंचने वाला है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करना, साथ देना। और इसी तरह आपको हम अच्छा से अच्छा वीडियो दिखाने ट्राई करेंगे। तो देखिए हमारा पीछे में सब लोग हाथ हिला रहे। तो चलो हम लोग चार लोग हैं, अपने गाँव का बंजा लोग ही है। तो चलो मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गया। तो अभी हम लोग ये लोकेशन अभी यहाँ से अभी हम लोग जाल मारने शुरू करेंगे। ये देखा छोटा सा नाला है, यहाँ से मारेंगे अभी। और ये चीज़ देख रहा होगा, ये इसको हम लोग तहम बोलता है। ये भी ट्रैप है, मछली ट्रैप है। देखो इसको वो जो पत्थर जो उसमें लगाता है, रात में लगा कर नेक्स्ट सुबह को देखता है। ये भी काइंड ऑफ ट्रैप है। तो अभी हम लोग तो फाइनली यहाँ भी मछली बहुत है लेकिन अभी तक लग नहीं रहे। वो पत्थर में मारो, वो पत्थर जो लोग इसलिए फाइनली एक तो मिल गया। देखो दिखाओ दिखाओ, वो देखो बढ़िया है। तो देखिए एक पीस एकदम फ्रेश लोकल पीस। तो इसी तरह हम लोग कलेक्ट करके लेके जाएंगे, जाकर हम लोग उसमें बेम्बू से बना के खाएंगे। अभी एक साथ में देखो कितना मिला है। वाओ, दो, देखो तीन, चार पीस मिला है। तो चलिए देखो मछली, देखो मछली, देखो 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 कितना लगा है। देखो ओ उसमें भी देखो, ओ देखो मछली है इसको आज। तो फाइनली अभी वाइल्ड वाला सब्जी थोड़ा तोड़ लेंगे हम लोग। देखो ये मछली का साथ बना के खाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये है। तो इसी तरह अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा वाइल्ड वाला भी सब्जी मैं ले लूँगा। और दोस्त लोग उसमें वो लोग अभी भी नेट फिशिंग कर रहा है। तो मछली तो मिल रहा है अभी। तो कितना मिला है, बड़ा बड़ा मछली है क्या? फाइनली अभी हम लोग लोकेशन में पहुंच गए। तो वो मोबाइल वीडियो बनाने वाला खुद देख रहा है वो। तो अभी फ़िलहाल अभी आग जलाने का व्यवस्था शुरू कर दिया हूँ सामान। तो फाइनली बम्बू भी आ गया, अरे बम्बू कटिंग चल रहा है। तो अभी इस तरह का काट के हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग खाना पकाएंगे ये बेम्बू में। तो जा तो दूसरा और एक नीचे गया है। तो इसी तरह अभी बम्बू को काट काट के रखेंगे और अभी हम लोग इसमें खाना पकाएंगे। तो फिलहाल अभी आग जलाने के लिए शुरू करेंगे। तो अपना बंजा वो आग जलाएगा। एक्चुअली हम बहुत अच्छा से आग जलाते हैं। तो चलिए जो आग जला सकता है एक्चुअली राजा बनता है वाले में। अच्छा तो चलिए देखता है आग जल चुका है। तो देखिए आप चलिए तो आगे मिलते हैं। फाइनली देखो पत्ता भी आ गया, बंजा ने पत्ता ला चुका है। तो अभी इसको अभी मैं खाना पकाऊंगा। तो इस तरह का चूंगा होता है, देखो हम लोग किस तरह का करता है, अलग अलग तरीका होता है बहुत लोगों का, हर किसी का। तो हम लोग तो मेरा भी कोई अलग अलग तरीका से करने का तरीका होता है। इस तरीका से पहले करने से क्या होता है, मतलब चावल लॉस होने का चांसेस नहीं होता है आप जंगल में।
इसको पहले इस तरह का करके यहाँ में पहले आप एम्प्टी में पहले डाल लीजिए ऐसे करके, तो तब एक आपका चावल का क्वांटिटी भी आपको मालूम होगा कि आपको कितना चावल चुकाना है। ये एक चिंडू बनाने का एक दूसरा तरीका हम दिखाएगा, शायद आप लोग को जहाँ मतलब कोई किसी ने अगर जंगल में जाके मतलब चिंडू हम लोग बोलेगा और बम्बू सूट में जो चावल पकाने नहीं आते हैं ना उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। और इस तरह से आप जब कहीं हाइकिंग में जाएगा तो चावल को इस तरह से लगा के आप पकाया जा सकता है बंडल बन के। हमारा देखो ये एक तरीका होता है, ये दूसरा तरीका, हर एक अपना अपना एक तरीका होता है बनाने का। ये बहुत अच्छा चीज़ होता है जब कि अगर आपको जंगल जाए आपका पास कुछ बर्तन ताली ना हो तो आपका पास अगर टेक्निक होने से आप इस तरीका से आप बेम्बू में आप खाना पका सकता है। तो देखिए ये चुका है और पहला घुस चुका है, दो क्योंकि अब निकलने का बाद पकने का बाद जो है ये बंडल होके निकलता है, आप इसको कहीं भी ले जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब दो आदमी होगा तो बंडल हो जाएगा तो दो एक एक को डिवाइड करके दे सकते हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, आप बने रहिए। अभी देखो पानी फिलअप करेंगे, इसमें पूरा फुल होना है पानी, लेकिन आप पूरा फुल करना है, आप इसमें पानी कम नहीं होना है। आप जितना इसमें आप पानी देंगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो अभी इसमें अभी हम लोग इस तरीके से डाल देंगे, आप देख कर इसे इस तरीके से अभी डाल देंगे, इसको तरम मोड़ देंगे कि आपका कुकर प्रेशर का जैसे कंफेक हो जाए। तो यही है, तो देखिए अभी ये बहुत मजा, अभी इसको अभी पूरा अभी इसमें जितना हो सके आग अच्छा से देना है, तो आग इसको अच्छा से देंगे तो बहुत सुंदर से पकने शुरू करेगा। तो आप देख सकते हैं, तो खाना पकते इसमें दिखाएंगे। अभी इसमें मछली है तो मछली को साफ करेंगे बहुत सुंदर से, तो आप देख सकते हैं मछली कितना सारा है, तो बहुत मछली है। हाँ मछली का चूल्हा स्पेशली आप चौथा वाला मछली को ना इस तरीके से बनाना है, नहीं तो क्या होता है वो आप जो लाती अगर निजल्स करके या मैं दुकान से आर पार करने से आप मतलब अच्छा से सक्सेस नहीं होता, गिरने का बहुत चांसेस होता है। तो इसको अगर आप इस तरीके से अगर बांध देगा ना तो मछली ये गिरने के लिए अगर ये एक बार इस तरह का अगर इसको आप अगर यहाँ अच्छा से आप अगर फिलअप कर देंगे ना तो ये बहुत अच्छा से होता है। तो यही चीज़ है, तो आप देखिए बाकी हम लोग साफ सफाई करके हम लोग बनाएंगे। तो चलिए तो फाइनली देखो मछली अभी इसको रोस्ट करेंगे हम। अभी इसको इस तरीके से रोस्ट कर देंगे हल्का सा फ्लेम में, तो बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए। तो चलिए तो आगे मिलते हैं, तो वहाँ सब्जी पकड़ो सब्जी। तो फाइनली देखो अपना बंजा उसका भी ये उसका बनाने का तरीका है, बोलता है वो मछली किस तरीके से बनाए वो रोस्ट करेंगे। तो चलिए तो ये भी बहुत अच्छा यूनिक है। ये जो इसमें आपका बेम्बू सूट भी डाला गया है ना? हाँ डाला है, पूरा मिर्चा भी है, नमक भी है, सब कुछ है। तो चलिए पकाइए तो देखते हैं। तो अपना बंजा देखो अभी इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल लाया था और मछली है उसका साथ में पूरा मिक्स कर रहा है बम्बू सूट डाल के, और उसके बाद में अभी वो चूंगा में डालेंगे बेम्बू में डाल के इसको इस तरह करके डाल के उसको इसको पकाएंगे, बहुत खाने का मज़ा होता है। हाँ तो आप देखिए, तो उसके बाद में इसको फिर हम लोग स्टीम कर देंगे। तो चलिए तो बना के खाएंगे, तो आप हम लोग का साथ बने रहिए। तो देखिए तो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करना, तो बंजा बना रहा है आप देख सकता है। तो चलिए तो बाकी उसमें आपका खाना पका रहा है वो देख रहा है। तो चलिए तो मिलते हैं आगे। तो फाइनली देखो मछली भी रोस्ट हो रहा है और खाना तो ये तीन है, 1 2 3 ये खाना है, ये भी पकी गया थोड़ा, उसको थोड़ा और तरह स्टीम करेंगे। और ये जो कच्चा वाला ये सब्जी है मछली का सब्जी है, तो चलिए तो इसको बने रहिए। तो अपना बंजा वो मछली रोस्ट करने में इंटरेस्ट हो रहा है, जहाँ तक मरिया से निकल गया देखो आप देख सकते हो कितना अच्छा से देखो कितना अच्छा से रोस्ट। ये इसका जो ना फेट में जो तेल होता है ना वो गिर के। चलिए तो आप बने रहिए, तो हम लोग अभी इसको बना के खाएंगे।
तो फाइनली देखो मछली रोस्ट हो गया बहुत सुंदर से। तो इसको अभी हम लोग अभी इसको सलाद बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखो 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 कितना अच्छा लग रहा है, देखो वाओ टेस्टी टेस्टी। तो फाइनली अभी आपका सब्जी भी पक रहा है। और ये बैगन है तो बैगन को चटनी बनाएंगे। अभी उसमें तो मर्चा फूट चुका है। अभी ये बैगन है देखिए सफा कर रहे हैं। तो ये आपका चटनी बन रहा है, बैगन बैगन डाल चुका है तो बंजर बना रहे। तो देख सकता है अब ये है। तो उसके बाद में मछली है, उसमें रोस्ट किया हुआ मछली। तो बने लो देखो अभी ये मछली, इसको तरह हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। ये है मछली, तो ये मछली है। तो देखिए अभी इसको यहाँ में इस तरीका से मिक्स कर देंगे। तो फाइनली चटनी हो गया। तो अभी देखो हाथ भी, तो अभी मछली खाएंगे, बहुत टेस्ट है। देखिए अभी खाना हो गया, देखो अभी खाना निकालेंगे। तो देखिए ये बेम्बू का खाना, देखिए बेम्बू सूट का खाना, चावल कितना कितना अच्छा होगा। तो उसको खोल के दिखा दीजिए एक बार अपना अपना व्यूअर को। तो आप देखिएगा, देखिए राइस, देखो देखो कितना अच्छा से राइस पक गया। देखिए इसी तरह और भी तीन है, वो दो है उसको भी निकालेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये मेरा खाना अभी मछली, देखिए कितना टेस्ट लग रहा है देखने के लिए। अभी मैं इसको खाने शुरू करूँगा, तो आप बने रहे। बढ़िया मेरे लिए हो गया। तो बाकी पार्टनर लोग बाकी सब उधर खा रहा है, आप देख सकता है। तो यही है। तो अभी ये चटनी है, सलाद है, ये खाना है, उसके सब लोग। तो सब्जी डालो 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 डालो, एकदम बढ़िया। देखो आज ही मौका मिला, देखो देखो कितना मजा। देखिए चलिए, तो अभी इसी तो फाइनली अभी देखो ये मेरा, ये आपका मछली का सब्जी, ये चटनी, ये स्टिकी राइस जो बेम्बू सूट में बनाने वाला। तरह कैमरा खोलो चाहिए बेट जाओ। देखिए तो अभी इसको अभी खाएंगे, बहुत टेस्ट है खाने के लिए। तो ये मछली है देखो, तो ये चटनी है, तो ये राइस। इसी तरह अभी मैं खा लूँगा खाना, खाने के बाद में आपको मैं मिलूँगा कंटिन्यूस। तो तब तक आप हमारे साथ में बने रहेगा। फाइनली हम लोग का खाना पीना हो गया। तो अभी इसके बाद में अभी हम लोग अपने घर की ओर रिटर्न, नदी की ओर रिटर्न चला जाएगा। तो आज तक का आपको वीडियो इतना ही दिखाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करना। तो अपना सार वो मिथुन देखने के लिए वो फिर जंगल चला जाएगा, हम तो अपना घर की ओर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे। तो इधर सब देख दो और चलो, तो आपको बाय कह देंगे। आज तक के लिए इतना ही है। तो बाय बाय। I'm going to push it back.